नमस्कार, आदरणीय इंडिया मिक्स, इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कन्नौज। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रत्याशी सुब्रत पाठक की नुक्कड़ सभा प्रेमपुर बाजार में की गई, जिसमें आबकारी खनन मंत्री अर्चना पांडे, दुर्वा विधानसभा विधायक कैलाश राजपूत, पूर्व विधायक अरविंद किशन, जन सेवा कुमार, व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष कौशल किशोर दीक्षित और लट्टू के नेतृत्व में मल्लापुर स्वागत किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। नुक्कड़ सभा की गई, जिसमें कैलाश राजपूत, कुमार अरविंद सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कांग्रेस सांसद डिंटूपाल यादव पर जमकर बरसे। वहीं राज्यमंत्री ने कहा कि कन्नौज सांसद क्या कभी किसी को किस क्षेत्र में मिली है। कन्नौज लोकसभा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने कहा कि ये हमारे प्रधानमंत्री चोर बताते हैं, खुद ही चोर है। भारत माता की मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय दीदी अर्चना पांडे जी, और अभी हम जिनका भाषण सुन रहे थे, जिन्होंने घर वापसी करके समाजवादी पार्टी के लोगों की नींद तो खराब कर ही दी है और साथ में उनके ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी है, ऐसे आदरणीय अरविंद प्रताप जी, मंच के ऊपर उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं और आज इस सभा में आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सबको जैसा कि जानकारी है कि आने वाले 29 तारीख को हमारे कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होना है और इस बार का यह चुनाव हमारा सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, हमारे वोट से इस बार इस देश का प्रधानमंत्री तय होना है। मित्रों, प्रधानमंत्री आखिर कौन होगा? यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनेगी तो नरेंद्र भाई मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। मित्रों, आज देश के भीतर जो माहौल है, आज देश में एक और भारतीय जनता पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी इस देश को आगे लेकर जाना चाहती है, विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रही है, और दूसरी ओर वह तमाम सारे राजनीतिक दल जो गठबंधन करके जिनकी विचारधारा केवल एक ही है कि मोदी को रोको, मोदी को रोको, मोदी रोको प्रतियोगिता चलाने का काम यह लोग कर रहे हैं। मित्रों, आखिर यह लोग मोदी को क्यों रोकना चाहते हैं? आखिर मोदी ने ऐसा क्या काम किया कि जो मोदी को यह गद्दी पर नहीं आना देना चाहते? क्या मोदी ने इस देश में कभी गरीबों के खिलाफ कोई काम किया? क्या मोदी ने किसानों के खिलाफ कोई काम किया? क्या मोदी ने शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा का कभी ध्यान नहीं रखा? या मोदी किसी पर्टिकुलर जाति के विरोधी दिखे? आखिर क्या कारण है, क्या कारण है मित्रों के मोदी ने दिन रात भी इस देश को आगे ले जाने के लिए काम किया है? मोदी ने 24 घंटे में मित्रों कम से कम 18-20 घंटे तक लगातार काम किया है, पिछले पूरे 5 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। मित्रों, विदेश भी गए हैं तो सोने का काम केवल हवाई जहाज में किया है, होटल में रुक के सोए भी नहीं है। मित्रों, उसके बावजूद भी यह लोग जो मोदी जी ने मित्रों तमाम सारी योजनाएं लाकर इस देश के गरीबों को, इस देश के शोषित वंचितों को आज जिस प्रकार से उनका उद्धार करने का जो काम किया है, उनके जीवन स्तर को उठाने का जो संघर्ष, जो प्रयास किया है, तो उसके बावजूद भी मोदी को आखिर यह लोग क्यों हटाना चाहते हैं? मित्रों, इसीलिए मैं आप सबसे यह कहने आया हूँ कि मित्रों, एक ओर तो यह गठबंधन है, यह गठबंधन जिसके पास ना तो कोई नेता है, यह गठबंधन जिसकी कोई नीयत भी नहीं है, ना ही इनकी कोई नीति है, दूसरी ओर यह भारतीय जनता पार्टी है, हमारे पास नेता भी है। अरे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी मित्रों तो हमारा नेता कौन होगा बताइए? हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा? मित्रों, मेरे हमारे पास नेता भी है, हमारी नियत भी है। आपने नियत तो देख ही लिया मित्रों कि 5 साल चली सरकार में प्रधानमंत्री की बात छोड़ दो, कोई माइका लाल हमारे किसी मंत्री पर भी आरोप नहीं लगा सकता भ्रष्टाचार का। ये मित्रों साफ नियत से काम किया है, और नीति तो आप सबने देख ही लिया मित्रों कि हिंदुस्तान में तो गरीबों के कल्याण के तमाम सारे कार्यक्रम तो जारी हुए ही, चाहे वह उनका मकान बनाने का हो, चाहे गैस सिलेंडर चूल्हे का हो, चाहे शौचालय बनाने का हो, गरीबों के खाता खोलने का हो, तमाम सारे ऐसे काम जो किसान सम्मान निधि के नाम से गरीबों के घर खेत जो किसानों के खाते में सीधा 6,000 रुपया आने का जो नियम बनाना हो, तमाम प्रकार के सारे काम मित्रों नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं। और नीति, हमारी नीति भी मित्रों इस प्रकार की है कि आपने देखा कि पाकिस्तान जो आए दिन हिंदुस्तान में घटना करता था, आए दिन हिंदुस्तान में आतंकवादी हमले करता था,
मित्रों, पाकिस्तान को पाकिस्तान के घुसकर मारने का भी काम किया है, पूरी दुनिया में अलग थलग करने का काम किया है। मित्रों, जिस प्रकार की विदेश नीति, जिस प्रकार की कूटनीति नरेंद्र मोदी ने दिखाई है, मित्रों आज पूरी दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ केवल एक ही आवाज आती है, मोदी मोदी मोदी। मित्रों, इस प्रकार का नेता है। हमारे पास नेता भी है, हमारे पास नियत भी है, हमारे पास नीति भी है, लेकिन मित्रों दूसरी ओर यदि इसका गठबंधन की सरकार बनेगी तो नेता कौन होगा कोई बता सकता है? कौन प्रधानमंत्री होगा यदि गठबंधन की सरकार बनेगी? कौन प्रधानमंत्री होगा? मित्रों, किसी को नहीं मालूम है कौन प्रधानमंत्री होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। क्या प्रधानमंत्री यदि पहली बार तो इनकी सरकारें नहीं बननी, और दूसरी बार यदि इनने सरकार बनी भी तो मित्रों सबसे पहले तो इनका प्रधानमंत्री बनने के लिए झगड़ा होगा, हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे। और मित्रों, फिर उसके बाद यदि किसी तरीके से झगड़ा निपट भी गया तो फिर तय होगा कि चलो भैया एक एक दिन के लिए बन जाओ सब लोग। तो एक एक दिन की जब तय होगी तो सोमवार को प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी। मंगलवार को मुलायम सिंह। बुधवार को मायावती। बृहस्पतिवार को ममता बनर्जी। शुक्रवार को चंद्रबाबू नायडू। और शनिवार को अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद इतवार की छुट्टी। और फिर उसके बाद देश की भी छुट्टी। मित्रों, तो इस प्रकार से यह गठबंधन है मित्रों, जिनकी सिर्फ एक नीति है। नियत तो मित्रों आप सबने देखी, इनकी नियत के बारे में तो कहना ही क्या कि जब भी मौका मिला, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, मित्रों इनको जब भी इनको दिल्ली में मौका मिला इन्होंने सरकार चलाई। तो मित्रों किसके लिए काम किया? इस देश के गरीबों के लिए काम नहीं किया, इस देश के शोषित वंचितों के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, इस देश में मित्रों किसान मजदूरों के नौजवानों के विकास के लिए काम नहीं किया। काम किया तो किया केवल अपने परिवार के विकास के लिए और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वडेरा के लिए। मित्रों, इसके अलावा किसी के लिए काम नहीं किया। हम सबने देखा मित्रों, हमने समाजवादी पार्टी को ताकत दी, हमारे क्षेत्र के दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ितों ने मित्रों पिछड़ों ने समाजवादी पार्टी को ताकत दी। लेकिन यह समाजवादी पार्टी को जो हमने ताकत दी, नेताजी को इतना बड़ा बना दिया, नेताजी को इतना बड़ा नेता बना दिया, आप बताइए नेताजी ने क्या किया उनके लिए क्या किया नेताजी ने जो कभी उनके साथ साइकिल चलाया करते थे? नेताजी ने उनके लिए क्या किया जो कभी उनके लिए उनकी रैली में ट्रैक्टर पर चलकर जाया करते थे? उनके लिए क्या किया नेताजी ने मित्रों, जो मित्रों उनके साथ में जो नेताजी के लिए जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे, बूथ पर झगड़ा भी कर देते थे, मित्रों क्या किया उनके लिए? आप सबने देखा जब हमारे पूर्व विधायक आदरणीय अरविंद प्रताप जी का भी सम्मान सुरक्षित नहीं रख सकते तो मित्रों आखिर किसके लिए क्या कर सकते हैं? आप सबने देखा, लेकिन किया है। किसके लिए किया है? अपने परिवार के लिए किया, सिर्फ परिवार के लिए किया। मित्रों आप सबने देखा कि अपने बेटे को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, अपने भाई को कैबिनेट मंत्री बना दिया, एक भाई को राज्यसभा से सांसद भेज दिया, एक भतीजे को बदायूं से सांसद भेज दिया, दूसरे भतीजे को फिरोजाबाद से सांसद भेज दिया, पोते को भी अपने मैनपुरी से सांसद भेज दिया, और बहू को तो जबरदस्ती कन्नौज से सांसद भेज दिया। आप सबने देखा मित्रों, आप सबने देखा मित्रों, नाते रिश्तेदार चेला चमचे तक अरबपति खरबपति हो गए। अभी मुझसे मीडिया के कुछ लोग मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आपके कन्नौज का तो बड़ा विकास हुआ होगा। हमने कहा है मेरे कन्नौज में क्या होगा? बोले नहीं नहीं नहीं, वो वहां पर डिंपल यादव जी सांसद हैं और उनके पति मुख्यमंत्री रहे, तो लिहाजा भाई कन्नौज का तो बड़ा विकास किया होगा। अच्छा, हमने ये बात है, अरे हमने कन्नौज का इतना विकास किया, इतना विकास तो दुनिया में क्यों नहीं किया? तो बोले क्या मतलब? अरे हमने मतलब कि भाई जो लोग सूर्यास्त होने के बाद में जब अंधेरा हो जाता था तो झाड़ियों के पास बैठकर 500-700 रुपए की राजनीति कर लेते थे, साइकिल तक लूट लेते थे, ऐसे लुटेरे आज 500-700 करोड़ के आदमी हो गए हैं। यदि कन्नौज में विकास हुआ है तो समाजवादी गुंडों का विकास हुआ है, समाजवादी माफियाओं का विकास हुआ है, गुच्छे लफंगों का विकास हुआ है, लेकिन यहाँ गरीब शोषित वंचित पीड़ित का विकास नहीं हुआ, किसान मजदूर नौजवान का विकास नहीं हुआ है। मित्रों विकास नहीं हुआ है, इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूँ। मित्रों आप सबसे अपील करने आया हूँ मित्रों, एक और हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है मित्रों, जिसने केवल 5 साल के ही भीतर यह लक्ष्य लिया कि जब 2022 आएगी तो इस देश के भीतर एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिसके सर के ऊपर इतनी छत ना हो। उन्होंने मित्रों केवल 5 साल में ही 2.5 करोड़ मकान बनाकर गरीबों को दिए हैं,
10 करोड़ गरीब परिवारों में शौचालय दिए हैं और मित्रों इस प्रकार से किसान सम्मान निधि के नाम पर 6000 रुपया और 10 करोड़ गरीब परिवारों को इलाज के लिए 5 लाख तक का मुफ्त में आयुष्मान योजना कार्ड और मित्रों तमाम सारे इस प्रकार के आर्थिक काम मित्रों नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं। अब आप बताइए यह काम क्या पहले की सरकारों में नहीं हो सकते थे? यदि शौचालय 2014 के गरीब के घर पर बना तो मित्रों इससे पहले क्यों नहीं बन सकता था? यदि कॉलोनी आकर मकान यदि गरीब का 2014 के बाद आई तो यह पहले क्यों नहीं आ सकती थी? पहले यह काम क्यों नहीं हो सकता था? पहले यदि काम यह नहीं हुआ है तो उसका सिर्फ एक कारण है मित्रों कि पहले की सरकारों ने इस देश के खजाने को मित्रों जब मौका मिला तो लूट लिया, यही कारण है कि उन्होंने इस देश के लिए काम नहीं किया। लेकिन मित्रों एक गरीब शोषित वंचित पीड़ित परिवार में पैदा हुआ, एक पिछड़े परिवार में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी, जो कभी स्टेशन के ऊपर चाय बेचने का काम करते थे, जिनकी माँ पास पड़ोस के घरों में बर्तन धोने का काम करती थी, इतने गरीब परिवार से निकला बालक गरीबी को नजदीक से देखते हुए जब आया तो मित्रों इस देश की सरकार को गरीबों के चरणों में समर्पित कर दिया, इस देश के खजाने को गरीबों के चरणों में समर्पित कर दिया। जो पूर्व की सरकारें दिल्ली में 4 से 14 तक चली सरकार, जो केवल 12.5 लाख करोड़ की लूट केवल 10 साल में किया था, जिनको समर्थन समाजवादी पार्टी का था, बहुजन समाजवादी पार्टी का था, इन सब ने मिलकर उस पैसे को लूट लिया था मित्रों। लेकिन यही कारण है कि आज भारत के खजाने को नरेंद्र मोदी ने गरीबों के कल्याण में लगा दिया, गरीबी के विकास में लगा दिया, गाँव के विकास में लगा दिया। मित्रों इस प्रकार का नेता हमको मिला है और आज मित्रों नरेंद्र मोदी अपने आप को इस देश के खजाने का चौकीदार बताते हैं कि मित्रों कोई भी बेईमान नेता हमारे देश के खजाने के साथ में लूट ना कर सके, तो अपने आप को देश के खजाने का चौकीदार कहते हैं, तो अपने आप को भारत का चौकीदार कहते हैं ताकि कोई भी विदेशी ताकत भारत के ऊपर हाथ उठाकर भी ना देख सके, वो अपने आप को भारत का चौकीदार कहते हैं। लेकिन आप सबने देखा यह लोग मिलकर हमारे चौकीदार को चोर कहते हैं, यह कहते हैं चौकीदार चोर है। मित्रों आप बताइए क्या वह चौकीदार चोर हो सकता है जो 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री है, इसके बाद जो भी मित्रों उसके घर में एक भाई आज भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने का काम करता है, क्या वह चौकीदार चोर हो सकता है जिसका एक भाई आज भी पतंग की दुकान पर पतंग बेचता है, क्या वह चौकीदार चोर हो सकता है जिसका एक भाई आज भी साधारण राशन कोटे की दुकान चलाता है, क्या वह चौकीदार चोर हो सकता है जिसका एक भाई आज साधारण नौकरी से रिटायर हुआ है, क्या भाई चौकीदार चोर हो सकता है जिसकी भतीजी की मृत्यु अच्छे अस्पताल में इलाज हो पाने के कारण से ना हुई हो, क्या भाई चौकीदार चोर हो सकता है मित्रों जिसने कभी भी भ्रष्टाचार करके अपने भतीजे के लिए मोटरसाइकिल भी ना खरीदी हो, क्या भाई चौकीदार चोर हो सकता है जिसकी माँ आज भी 10x10 के कमरे में रहती हो, क्या भाई चौकीदार चोर हो सकता है मित्रों जिसकी माँ आज भी रिक्शे से बाजार जाती हो, जिसने कभी अपने परिवार को परिवार नहीं इस देश की 125 करोड़ जनता को अपना परिवार माना हो, वह चौकीदार चोर हो सकता है। इसलिए मित्रों यह सत्ता के लालची लोग मित्रों केवल सत्ता आ जाए मित्रों सत्ता आ जाए हमारे स्वार्थ सिद्ध हो जाए, इसके लिए सत्ता पाने के चाहत रखने वाले या लोग या नरेंद्र मोदी को हटाने की कल्पना करने वाले या लोग, मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि मित्रों नरेंद्र मोदी जैसा नेता बार बार नहीं मिलता, और यदि मित्रों हम अगर चूक कर गए फिर देश में कोई भी ईमानदार नेता ईमानदारी से राजनीति करने नहीं आएगा, और जो देश को आगे ले जाने का काम नहीं करेगा मित्रों देश में गरीब शोषित वंचितों का कल्याण का काम भी नहीं करेगा। इसलिए मैं यही अपील आप सबसे करने आया हूँ मित्रों, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, इनकी हमारे कन्नौज की मिट्टी से कोई जुड़ाव नहीं है, इनकी हमारे कन्नौज जिले या कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की धरती का कोई भी जुड़ाव नहीं है, आज यही कारण हमारे बीच में आते हैं, हमको जातियों में बांटते हैं, फैलाते फुसलाते तमाम प्रकार के षड्यंत्र रचवाते हैं, सांप्रदायिकता का जहर घोलकर हमारा वोट लेकर के वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और सत्ता भी क्यों हासिल करना चाहते हैं, केवल अपना और अपनों का विकास करने के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मित्रों ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, मैं कहता हूँ कि मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ इनका हमारी धरती से कोई जुड़ाव नहीं है। आप सबने देखा अभी अखिलेश यादव जी जब कन्नौज आए थे श्रीमती डिंपल यादव जी के नॉमिनेशन में, तो वह कह रहे थे कि मैं जितना प्रेम डिंपल से करता हूँ उतना प्रेम मैं कन्नौज से भी करता हूँ। मुझे भी यह बात पता चली, मैं भी अपने नामांकन में गया, और मैं अपने नामांकन में गया तो मैंने भी कहा कि अखिलेश जी कह रहे थे कि वो जितना प्रेम डिंपल को करते हैं उतना प्रेम कन्नौज को करते हैं, बस अखिलेश जी यही तो आपको मुझसे अलग करता है, क्योंकि मैं जितना प्रेम अपने जन्म देने वाली माँ से करता हूँ उससे कहीं अधिक प्रेम अपने कन्नौज की धरती माँ से करता हूँ। तो यह हमारी धरती है, यह हमारी धरती
धरती है, हमारे पूर्वजों की धरती है, हमारे पुरखों की धरती है, हमारी आने वाली पीढ़ियां यहाँ के ऊपर जन्म लेंगी, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है मित्रों। और भगवान राम ने भी कहा था, भगवान राम ने कहा था कि जब उनको लंका में रोकने का प्रयास हो रहा था कि आप लंका के राज करिए, लंका छोड़ कर नहीं जाइए, तो मित्रों भगवान राम ने कहा था कि जननी जन्म भूमि से जा स्वर्ग आदि करिए थी, हमारी जो मातृभूमि है वह स्वर्ग से भी बढ़कर है मित्रों, यह हमारी धरती है मित्रों, वह सैफई उनकी धरती है, उनको मौका मिला उन्होंने सैफई के लिए किया, और मुझको मौका मिलेगा तो अपने कन्नौज क्षेत्र के लिए करूंगा, अपने कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के लिए करूंगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात न करता हुआ, हम 7 साल जो हमारी 7 साल से सांसद, 7 बार भी जो कन्नौज नहीं आई है, प्रेमपुर कितनी बार आई होगी मित्रों, तो आप लोग जान सकते हैं, मैं क्या जान सकता हूँ। बस मित्रों मैं तो यही कहूंगा कि मित्रों जो जिन्होंने कभी कन्नौज की किसी आवाज को संसद के भीतर उठाया नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब भी संसद के भीतर मित्रों संसद चलेगी, अब आप टीवी खोल कर देखोगे आपको कन्नौज गूंजता हुआ दिखाएगा, कन्नौज के नौजवान की आवाज संसद के भीतर गूंजती दिखेगी, कन्नौज के किसान मजदूरों की आवाज संसद के भीतर गूंजती दिखेगी। मैं यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सबको 2 सूचनाएं मैं देना चाहता हूँ मित्रों। 27 तारीख को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के एक जनसभा को संबोधित करने के लिए तिरवा आ रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, हम सब लोग भारी से भारी संख्या में 9:00 बजे तिरवा पहुंचकर माननीय मोदी जी के विचारों को सुन अपना समर्थन और आशीर्वाद उनको प्रदान करें। पूर्व विधायक अरविंद प्रताप सिंह जी और छिबरामऊ से हमारे साथ चल रहे वेद प्रकाश राठौर जी और मंच पर अरुण भैया, बाकी सभी लोग जो मंच पर भारतीय जनता पार्टी की प्रति निष्ठा और आस्था रखने वाले ऐसे हमारे बुजुर्गों नौजवान भाइयों, अभी मैं सुन रही थी विधायक जी कह रहे थे कि छिबरामऊ विधानसभा को वो लोग अपना गढ़ मानते हैं, ये बात वो जगह जगह मैंने भी सुनी है। और मैं भी एक बात उसके साथ और जोड़ना चाहती हूँ, ये पश्चिमी बेल्ट जो मेरी है इसको वो लोग विशेष तौर पर अपना गढ़ मानते हैं। मेरे पिताजी भी जब वोट खुलते थे तो मुझसे कहते थे कि जब तुम इधर से चलोगी तो हो सकता है कि कभी तुम चुनाव हारने लगो, ये 2002 की बात है। लेकिन मैंने उनके जाने के बाद इस चीज को महसूस किया कि भले ही उनके सामने कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन 2012 में भी और 2017 में भी इस पश्चिमी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुझे जो आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार करती हूँ। आप सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ और निश्चित रूप से ये मानकर चलिए, मैं तो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में घूमती हूँ और लोगों को बताती हूँ कि मैं उस विधानसभा क्षेत्र से आई हूँ, उस जनपद से आई हूँ जिसको समाजवादी पार्टी के लोग अपना गढ़ मानते थे, लेकिन हमारे छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उनकी छाती पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ कर आपके बीच में मुझे भेजा है। तो मैं तो पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस बार छिबरामऊ विधानसभा के लोग कोई चूक करने वाले नहीं है, क्योंकि प्रधानी का चुनाव नहीं है, ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं है, ये विधायकी का भी चुनाव नहीं है। हो सकता है 2 वर्ष में मुझसे कुछ कमियां हो गई हैं। मैं अभी सुब्रत से कह रही थी, जब कार्यालय में जाती हूँ तो लोग कहते हैं आपकी बड़ी शिकायतें आ रही हैं, पत्रकों पर लिखा आ रहा है, तो मैं कहती हूँ क्या लिखा है जरा दिखाओ, तो ये कई शिकायत आती है, हैंडपंप नहीं मिला और जी आई नहीं, दो ही बातें। मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए तकलीफ नहीं है, हैंडपंप प्रति व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, पिताजी को दे दो, कल लड़का अलग हुई हो बहुत चिल्लाने लगो कि मैं दूं हैंडपंप, तो हैंडपंप की पूर्ति नामुमकिन है। और आने जाने की बात तो केवल इतनी है, मैं तो सब जगह कहती हूँ, देखो दो बातें तय कर लियो, बिटिया या तो खुद कछु मांगना आती तब आती, या तुम न्योता करो तब आती, तो न्योता करे हो नहीं तो फिर उसे ही चिल्लाता आती नहीं आती नहीं। तो हम सबसे कहते हैं कि भाई कुछ तो शुरुआत करो, कभी कभी हो जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, बहुत प्रयास करने के बाद भी कहीं कोई चूक हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। केवल एक ही बात कहूंगी कि विधानसभा का चुनाव नहीं है, आगे आने वाले वर्ष 2 वर्ष पड़े हैं, हम और आप बैठकर उस समय हम अपनी गलतियों का अपनी अच्छाइयों का आपसे ब्यौरा कर देंगे, लेकिन ये चुनाव देश की पंचायत का है और उस देश की पंचायत का है, उस पार्टी का चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी, जिसने पूरे विश्व में आपका गौरव बढ़ाने का काम किया है, आपको भारतीय महसूस कराने का काम किया है। ऐसी पार्टी के लिए आपसे वोट मांगने आई हूँ, ऐसे प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आई हूँ जो कोई डिंपल यादव की तरह वो प्रत्याशी नहीं है कि शीशे की बंद खिड़कियों में से हाथ हिलाता रहा हो, 7 साल
सदियों भर से आपके बीच में सीना तान कर आपके दुख और दुख में हर समय खड़ा रहने की जिसने संकल्प लिया हो, ऐसे सुब्रत पाठक के लिए आपसे वोट मांगने आई हूँ, आपसे प्रार्थना करने आई हूँ कि जिस प्रकार आपने 2017 में मुझे वोट दिया था ठीक उसी प्रकार से इस बार